कैसी पत्नी हो तू? मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती। एक बात बताओ, तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है? तुम्हें 10 साल से देखता आ रहा हूं। वो मैंने कुछ देर पहले देखा, वो मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी और मिला। उम्मीद? आपको सिर्फ अपनी उम्मीदों के टूटने का गम है। ठाकुर साहब, उन उम्मीदों का क्या जो मैंने आपसे कभी की थी? कदम कदम पर उन्हें कुचलते आए हैं आप। बहुत सह चुकी मैं, लेकिन आज नहीं सहा गया तो कुछ गलत नहीं किया है मैंने। नहीं कि आज तक मैंने आपके लिए, आपकी प्यार की खातिर मैं आपके नाजायज रिश्ते को भी कबूल करने जा रही थी, लेकिन जब आपने राधे को मार डाला तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने इस घर का बेटा छीना, मासी ममोली से उसका पति छीना। रिश्तों के इस अपमान को मैं नहीं कह सकती, आपको रोकना जरूरी था, इसीलिए मैं आपके खिलाफ गई। जब गुनाह करते हुए आप एक बार नहीं कतराए तो मैं क्यों कतराऊं? मैं तो अच्छाई और सच्चाई का साथ दे रही थी। बहुत प्यार किया मैंने आपको, अपनी जिंदगी तक दे दी आपको, और बदले में मुझे क्या मिला? विश्वासघात? विश्वासघात तो तुमने मेरे साथ किया और मिला, और उसका अंजाम अच्छी तरह जानती हो। मेरा तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धोखा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखी जाए अगर कोई मेरी पीठ में खंजर मारे तो क्या हाल करता हूं तुम अच्छे से जानती हो। और बदकिस्मती से आज इन धोखेबाजों में तुम्हारा नाम भी शामिल हो गया। दिग्विजय, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मां बताइए कहां है मोली? तुमने बताओ कहां है मोली? तुमने कहां छुपाकर रखा उसे? कहां भेजा है? मिला मेरे सर पर खून सवार है, अगर आज तुमने नहीं बताया ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारना चाहते हैं आप मुझे? मार डालिए, लेकिन अमोली आपकी आज कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। अमोली कल भी राधे की थी, आज भी राधे की है, और हमेशा राधे की रहेगी। एक राधे की आखिरी इच्छा थी, वो कभी नहीं चाहता था कि आपके हाथों अमोली बर्बाद हो, इसीलिए उसने जान दे दी। हद बोल गया तुमने, हद से ज्यादा बोल चुकी हो तुम। आज इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं पहले तुम्हारा हिसाब किताब पूरा करूंगा और फिर अमोली। अमोली जब सुहागन थी वो तभी राधे का प्यार थी, और जब विधवा है तभी राधे का ही प्यार है। वो कभी आपकी नहीं होगी। Thank you.
रही है मुझे? वैसे भी आपका ये रूप देखकर मेरा मर जाना ही अच्छा है। आप बताइए कहाँ है अमोली? अमोली चली गई है इतनी दूर जहाँ आपके हाथ उस तक नहीं पहुँच पाएंगे, कभी नहीं। चली जाओ यहाँ से, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को रोक रखा है। अगर तुमने मेरी चाह के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं तुम्हें जाओ यहाँ से। और एक बात ध्यान में रखना, अमोली कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। वो जितना मुझसे दूर भागेगी मुझे अपने उतना ही करीब पाएगी। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, वैसे भी अभी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अमोली, दिग्विजय नीचे आ चुके हैं, इससे पहले कि उनकी नजर तुम पर पड़े तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अमोली कहाँ हो तुम? आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती अमोली, मैं तुम्हें ढूंढ कराऊंगा। अमोली नहीं मासी, मैं अगर आपको छोड़ के चली गई तो ठाकुर आपको नहीं छोड़ेगा। अमोली मेरी चिंता मत करो। अमोली तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो कभी ना कभी भगवान के घर जाकर मुझे राधे का सामना भी तो करना है। क्या जवाब दूंगी मैं उसे? तुम जाओ अमोली। नहीं मालकिन, मैं आपको इस तरह छोड़ के नहीं। तुम्हें मेरी कसम है, मेरे बारे में मत सोचो, किसी ना किसी तरह से अपने आप को बचा लो। अमोली, अमोली लगता है वो इसी तरफ आ रहे हैं। राम, ऊपर से नीचे जाने वाला रास्ता भी तो एक ही है, अब कैसे भागोगी तुम? मालकिन, मुझे नीचे जाने का एक और रास्ता मालूम है। कौन सा रास्ता? वही रास्ता जिस रास्ते से मैं पहली बार हवेली में आई थी। ठाकुर ने मुझे पहली बार देखा था। कहाँ है वो रास्ता? आपके कमरे में। जाने दीजिए दिग्विजय, वैसे भी आप अमोली की चाहत में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। देखिए आप राधे को तो बहुत पहले ही मार चुके हैं, अब कम से कम बेचारी अमोली को तो उसकी जिंदगी चैन से जी रही। अमोली कहाँ तो? दिग्विजय आप मेरी बात तो सुन रहे हैं ना? छुपा कर रखा है ना, वहां उर्मिला के साथ है और आप यहां मेरा समय बर्बाद करिए ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। बोली मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। Thank you.
बताना। अमोली इसी रास्ते आई थी मेरी जिंदगी में भी और मेरे दिल में भी, और आज वो उसी तरह उससे दूर जा रही। नहीं मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती अमोली, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। अमोली तुम मुझसे भाग नहीं सकती, मैंने बहुत कुछ खोया है तुम्हारी वजह से, बहुत कुछ भुगता है अमोली, अब मैं तुम्हें पाए बगैर नहीं रह सकता अमोली। आई आई अमोली चले, रुक, तुम मेरी बात सुन नहीं सक। आई तू मुझे लेकर यहाँ क्यों आई है अमोली? तू घर मत आ, तू कंका क्यों यहाँ चली जा? लेकिन क्या? क्योंकि अमोली ठाकुर तुझे ढूंढते हुए घर आ सकता है, लेकिन कंका क्यों नहीं आएगा? और तब तक हमें कुछ सोचने का और तय करने का मौका मिलेगा। तू चल, मैं तुझे वहां मिलती हूँ। तुम मुझसे भाग कर नहीं जा सकती अमोली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। क्या ठाकुर ने राधे को? सुनो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, से बताना। और राधे मर चुका है, फिर हमारी बेटी अमोली? मैं भी ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, कुछ इतना जानती हूँ कि ठाकुर अमोली के पीछे पड़ा है, वो उससे बदला लेने के लिए उतावला हो रहा है। हमारी बच्ची की जान खतरे में, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अमोली कहाँ है? वो कंका के घर में। अरे क्या सुमन, तुमने कुछ सोचा है उसके बारे में? और सुमन ये तो क्या ढूंढते जा रही है? ये क्या कर रही हो तुम? उसे क्यों खोल रही हो? खोलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे ना हम? मुझे लगता है अब इसे खोलने का समय आ गया। नहीं सुमन, इस बक्से को खोलते न जाने कितने अंखे और आंख खुल जाएंगे। सुमन आज तक इतना कुछ हुआ, लेकिन हमने इस चीज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, फिर आज ही क्यों? क्योंकि यही एक रास्ता है ठाकुर से अमोली को बचाने का, और अब समय आ गया है कि अमोली सारी सच्चाई जान ले। और सुमन, और इस बक्से का अगर खुल गया तो अमोली हमसे 200 मील दूर चली जाएगी हमेशा के लिए, इस बात का एहसास है तुम्हें? हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया, के हाथों से अमोली को बचाने का यही एक रास्ता है। लेकिन सुमन, अमोली को यह सब कैसे कैसे करना है? और क्या करना है?
ये मैंने सोच लिया। मैं जानती हूँ अमोली हमसे बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो रहेगी, इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि अमोली भले ही हमसे दूर है, लेकिन वो जहां भी है सुरक्षित है, सही सलामत है। अरे बात को समझने की कोशिश करो, ठाकुर के हाथों से अमोली को बचाने का यही एक रास्ता है। लेकिन सुमन अमोली को ये सब कैसे कैसे करना है और क्या करना है ये मैंने सोच लिया है। इसमें ये शादी की पत्रिका है जिससे पता है, मैं उन्हें खत लिखूंगी। वाकई तुझे लगता है ये औरत दुनिया की कोई भी औरत अपनी जिंदगी की ऐसी घटना नहीं बुला पाएगी? मुझे पूरा यकीन, वो ना नहीं करेगी, वो हमारी अमोली को छत देगी, सहारा देगी। अरे इतने सारे एहसानों के बदले में तो ये कहना तो कर ही सकते हैं ना। फिर एक बार सोच लो सुमन, क्या और कोई रास्ता नहीं है? आज तक हमने इस राज से अमोली को दूर रखा, फिर आज आज ये राज खुलेगा, इसे खुलना ही होगा, क्योंकि इसी से अमोली की जिंदगी बदल पाएगी। उस ठाकुर का साया अमोली के सर से हमेशा के लिए उठ जाए। लेकिन आई मैं जाऊंगी कहां? इस पते पर, इस घर में। इसमें क्या लिखा? मेरा उत्तर प्रदेश में है ये जगह। इस हफ्ते 11 मार्च रात ये क्या है आई? वो किस लिए? तू यहाँ नहीं रह सकती, तुझे जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी। लेकिन आई मैं जाऊंगी कहाँ? किस पते पर, इस घर में। इसमें क्या लिखा? मेरा उत्तर प्रदेश में है ये जगह। नहीं है, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। और नया शहर, नए लोग, कैसे रह पाऊंगी मैं वहां? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना होगा अमोली। नहीं आई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं यहां से चली गई, ठाकुर आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। तू हमारी चिंता मत कर, तू अपने बारे में सोच, तेरी पूरी जिंदगी तेरे सामने, तू उसके बारे में सोच अमोली। चली जा तू यहां इस पते, और वहां जाके तू उन्हें ये चिट्ठी दे देना, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आई ये लोग हैं कौन? नहीं मैं ही नहीं जानती हूँ, नहीं ये मुझे जान। कुछ कुछ पे भरोसा है, चिंता मत कर, भले ही तू इन लोगों को नहीं जानती, लेकिन मैं नहीं जानती अमोली ये वही जगह है जहां तू सही सलामत रहेगी, जहां ठाकुर तुझ तक सपने में भी नहीं पहुंच पाएगा। अमोली, वहां की दीवारें बहुत मजबूत है, वहां कोई दर, कोई डर उन दीवारों को फांग कर तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। एक नई खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी की शुरुआत है ये। क्या सोच रही है? हमारी चिंता कर रही है अमोली, हमारी चिंता मत कर, ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में हमारे अलावा तेरा और कोई नहीं है। आज नहीं तो कल तू अपने आई बाबा से मिलने जरूर आएगी। हम जिंदा थे ना अमोली, उसकी तुम्हें पाने की उम्मीद भी जिंदा रही, और वो अपने ही हाथों से अपनी उम्मीद का गला नहीं घोटेगा। तू मेरी बात मानकर इस घर में चली जा अमोली। नहीं है, मैं वहां कैसे रह पाऊं? और वो लोग हैं कौन? और आई, तुम
भी सोचो कि वो लोग मुझे अपने घर में क्यों रुकने देंगे। और आई इस चिट्ठी में क्या लिखा है? ये सुनंदा का घर है, कुछ भी पढ़कर सब कुछ समझ जाएगी और तुझे भी समझा देगी। इससे ज्यादा तुझे इस वक्त कुछ जानने की जरूरत नहीं है अमोली। तू आज रात ही ट्रेन पकड़कर वहां चली जा। अमोली, हमारे पास समय नहीं, तुम्हें बहुत थोड़े वक्त में बहुत लंबा सफर तय करना है। इससे पहले कि ठाकुर यहाँ आ जाए, तुम्हें यहाँ से बहुत दूर चली जाए। आई, उस ठाकुर का कभी भला नहीं होगा। उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी है, मेरे अपने से मुझे तोड़ा है, पहले मेरे दादू से और अब मेरे आयर बाबा। अमोली दिग्विजय की पहुंच से दूर जाकर अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करे, जो प्यार और अपनापन उसे यहाँ नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि उसकी नई जिंदगी में उसे सब नसीब।